नमस्कार, मैं सत्या शर्मा कीर्ति, रांची झारखंड से। मेरी कविता का शीर्षक है अहिल्या। वर्षों पूर्व पाषाण में बदल दी गई स्त्री आज युगों बाद भी किसी पुरुष के स्पर्श से मुक्ति पाकर भी मुक्ति गान नहीं गा पाई। वर्षों पूर्व पाषाण में बदल दी गई स्त्री आज युगों बाद भी किसी पुरुष के स्पर्श से मुक्ति पाकर भी मुक्ति गान नहीं गा पाई। उसे याद है वो सारे छल, उसे याद है वो सारे छल, जब प्रेम में भींगी वह पति रूप धरे पर पुरुष की मनसा समझ न पाई। उसे याद है वो सारे छल, जब प्रेम में भींगी वह पति रूप धरे पर पुरुष की मनसा समझ न पाई और हो गई समर्पित, और हो गई समर्पित। पर गौतम जो महाविद्या के ज्ञाता थे, पर गौतम जो महाविद्या के ज्ञाता थे, पत्नी की पवित्रता महसूस न कर पाए, छले जाने की व्यथा समझ न पाए, शील हरण से लज्जित पीड़ा देख न पाए। पर गौतम जो महाविद्या के ज्ञाता थे, पत्नी की पवित्रता महसूस न कर पाए, छले जाने की व्यथा समझ न पाए, शील हरण से लज्जित पीड़ा देख न पाए। दे दिया शाप, जाओ शिला बन जाओ, दे दिया शाप, जाओ शिला बन जाओ। तब वह ढूंढ रही थी अपने उस पति को, तब वह ढूंढ रही थी अपने उस पति को जो उसकी मनोदशा समझ पाता, तब वह ढूंढ रही थी अपने उस पति को जो उसकी मनोदशा समझ पाता। पर सामने तो बस एक पुरुष खड़ा था, पर सामने तो बस एक पुरुष खड़ा था। तब तन से नहीं मन से टूटी थी स्त्री, तब तन से नहीं मन से टूटी थी स्त्री। पुरुष का छल, पुरुष द्वारा श्राप और मुक्ति भी पुरुष स्पर्श से। तब तन से नहीं मन से टूटी थी स्त्री, पुरुष का छल, पुरुष द्वारा शाप और मुक्ति भी पुरुष स्पर्श से। नहीं, अब उसे मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं अब उसे मुक्ति नहीं चाहिए। उसे तो बस इंसाफ चाहिए उन गुजरे लम्हों का जब उसने शिला में कैद होकर बिताया, उसकी रुकी जिंदगी के हर उस पल का जो उसके रुक जाने के बाद भी गुजरता रहा, उसकी रुकी जिंदगी के हर उस पल का जो उसके रुक जाने के बाद भी गुजरता रहा, उसके झेले हुए हर उस मानसिक संताप का, उसके झेले हुए हर मानसिक संताप का। हाँ, अब अहिल्या यूं ही पाषाण सी खड़ी रहेगी वक्त के चौखट पर, हाँ अब अहिल्या यूं ही पाषाण सी खड़ी रहेगी वक्त के चौखट पर, क्योंकि अब उसे मुक्ति नहीं इंसाफ चाहिए, क्योंकि अब उसे मुक्ति नहीं इंसाफ चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।